आयोग बना कर समीक्षा कर तकर बाद आरक्षण लागू कर से आरक्षण मुख्यमंत्री जी लागू नहीं कलखिन अति पिछड़ा समाज के संगे विश्वासघात भ गए। आब जो हाई कोर्ट में ये मामला रहते तो 2 साल चुनाव हेतु कि 3 साल पर हेतु अभी मुख्यमंत्री जी और सरकार कहे हम जाए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम एक कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट वाला रोक लगल गया फिर कहे सुप्रीम कोर्ट जाए तो स्पष्ट भले जे अति पिछड़ा के संगे छल कर ठग रहा तैं सरकार के हमरा सब आग्रह करी छे जहाँ जतेक जल्दी हुए चुनाव कराओ और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन छे तेकरा अहाँ पालन करियो। जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। हम सब एखन मधुबनी में बीजेपी के जे कार्यालय छै तै में छी और आई प्रेस कॉन्फ्रेंस राखल गेलै है पूर्व मंत्री जे छथि और एखन राजनगर सब विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान हमरा सब संगे छथि। अपने सब के पता है कि नगर निकाय के चुनाव होय वाला छलै लेकिन ओकरा एखन फिलहाल स्थगित कऽ देल गेलै है तै बारे में ई सब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखले त इनका सब बात करब की केना छै ई जे स्थगित भेलै अथी ते बारे में की कहो। देखो सबसे पहले अहाँ सब आदमी के हम बधाई दी छी जे हमारा भाजपा कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में छी बगल में हमर जिला अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी सेहो छथि महामंत्री छथि विष्णु जी छथि। ई जे नगर निकाय चुनाव 10 तारीख के हुआ वाला छलै पूरा उम्मीदवार अपना आप के चुनाव में झोंक देने छलै ताकत के और पूरा प्रचार प्रसार में लागल छ और अचानक हाई कोर्ट जे है जरा बंद कर दिल्क हाई कोर्ट में जे मुकदमा छे ये मुकदमा के बिहार सरकार जे है पर संज्ञान नहीं लेलके और एकटा मुख्यमंत्री के जिद के कारण ये चुनाव स्थगित भ गेलै। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर हाई कोर्ट और चुनाव आयोग के डिसीजन जे देने छे सुप्रीम कोर्ट एहि पर चुनाव कराना छलै अति पिछड़ा समाज के आयोग बना कर समीक्षा कऽ कऽ तकर बाद आरक्षण लागू कर से आरक्षण मुख्यमंत्री जी लागू नहीं कलखिन अति पिछड़ा समाज के संगे विश्वासघात भ गेलै। आब जो हाई कोर्ट में ये मामला रहते तो 2 साल चुनाव हेतु कि 3 साल पर हेतु अभी मुख्यमंत्री जी और सरकार कहे हम जाए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम एक कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट वाला रोक लगल गया फिर कहे सुप्रीम कोर्ट जाए तो स्पष्ट भले जे अति पिछड़ा के संगे छल कर ठग रहा तैं सरकार के हमरा सब आग्रह करी छी जहाँ जतेक जल्दी हुए चुनाव कराओ और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन छै तेकरा अहाँ पालन करियो अति पिछड़ा समाज के आयोग बनाओ आयोग बना के हम सब सरकार में छलो इससे पहले हमर पूर्व के माननीय शहरी विकास मंत्री छलाह बजाबते बना कर देने छलखिन ये गाइडलाइन के पालन कर लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक ठंडा अवस्था में डाल के और अति पिछड़ा के आरक्षण से वंचित कर रहा छथिन एक तरफ कहे छथिन जे भाजपा वाला दोषी हम कतौ से दोषी छी हम तो सरकार में छी नहीं हमर जहिया तक सरकार में छलो हम काज के लिए अति पिछड़ा के हित में के लिए और आब हमरा सब दोष लगबै छथि तैं बिहार के महान जनता इस सब बात के बुझै छै जे के ठगैए वो पता चल गए। जनता के सवाल भ सकै छै जे अहाँ सबके सरकार से निकलना बहुत दिन नहीं भेलै तो ये आवाज अहाँ सब पहले क्या नहीं उठेलिए आपके अपने हम कहलौं जैसे पहले उठबै छलिए 2 महीना भेलै ने हमरा सरकार से हटला 2 महीना से पहले ही बात के हम सब उठबै छलिए और हमरा सब के नहीं छल जे जल्दी चुनाव करा लेते हमरा सब गुजल जे आबो आयोग बना के ई काज के करते हम सब लागल छलिए सरकार तो होइ छै मुख्यमंत्री के हम सब एकटा विभाग के रखबारी करै छलिए तो इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी छी हम सब थोड़े दोषी छी सरकार माने मुख्यमंत्री हमरा सब यदि गठबंधन में छलिए तो रखबारी करै छलिए विभाग के पावर चलै छलै मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री चाहे तो विभाग के अपना अधीन कहियो कहियो कहाँ देखबै सब विभाग के मंत्री मुख्यमंत्रिये होइ छै आ तकर बाद 15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद विभाग बंटै छै तो मुख्यमंत्री के सरकार छै तो एहिमे हम सब कतौ से दोषी नहीं छी शुद्ध के माननीय मुख्यमंत्री जी दोषी छथि हिनका जिद के चलते ई अखन नगर निकाय चुनाव नहीं भेले और बहुत सारा जे अभ्यर्थी छै तकरा बहुत सारा घाटा भेले करोड़ों के घाटा हो गेलै बहुत लोग हमर नेता हम कहि देलहुँ जे हम विभाग के रखबारी करै छलिए लेकिन सबटा काज मुख्यमंत्रिये करै छलै कैबिनेट के बैठक होइ छै तऽ हमसब ये रहै छलिए मुख तरफ से बैठब आ सबटा काज मुख्यमंत्री होइ छै मुख्यमंत्री माने सरकार बाकी के थोड़े होइ छै
सरकार के मतलब मुख्यमंत्री। एक टा और सवाल है कि डॉक्टर सब जो हड़ताल पर बैसल छथि बायोमेट्रिक अटेंडेंस द्वारे, तो एहिमे की दिक्कत आबि रहल छै? बायोमेट्रिक अटेंडेंस से एते परेशानी क्या भ रहल छै डॉक्टर सब? देखियौ, एक तऽ राज्य में डॉक्टर की कमी छै, जतेक हमरा डॉक्टर चाही से नहीं छै। हम जहिया सरकार में छलहुँ तऽ तहिया डॉक्टर के बहाली करय लेल पूरा सब कुछ एजेंडा तैयार भ गेल छलै जे आब बहाल करब तब करब, सारा इंटरव्यू वगैरह भ गेल छलै। सरकार से हमरा सब निकल गेलहुँ, महागठबंधन के सरकार बनलै। आब जे अखन स्वास्थ्य मंत्री छथि, मुख्यमंत्री कहै छथि जे हम बहाल करब, तऽ अखन तक बहाल नहि कयलथि। ओ डॉक्टर सबके अहाँ टाइम बंद करियौ ने, जे 10 घंटा या 8 घंटा अहाँ ड्यूटी करू। अहाँ कहै छी 10 बजे आओ उठा लगाओ आ फेर 5 बजे चलि जाकऽ उठा लगाओ, तकर बाद की हेतै? तऽ एहिमे डॉक्टर एकर जे विरोध करै छै ओ सही विरोध करै छै। डॉक्टर के काम छै चिकित्सा करनाइ, नहि कि उठा लगो नहि। उठे लगौलासँ जे हेतै तऽ उठा लगा कऽ आबि कऽ बैठ रहतै, डॉक्टर काजे नहि करतै। आओर मधुबनीमे हम हॉस्पिटलमे काल्हि छलहुँ, 3 टा महिला प्रसूतिके ओहिठमन डिलीवरी नहि भेलै आओर अलग अलग अस्पतालमे जाय पड़लै। ढेर सारा रोगी ओहिसँ घुमि कऽ चलि गेलै। हम सरकारसँ आग्रह करै छी अविलम्ब हड़ताल समाप्त कऽ कऽ आओर स्वास्थ्य सेवाके बहाल। जनता के सवाल ई छै सर कि डॉक्टर सबके एहि दुआरे दिक्कत भऽ रहल छनि कि अगर हुनका सबके बायोमेट्रिक अटेंडेंस देबऽ पड़तनि निकलऽ कालमे आओर घुसऽ कालमे, तऽ हुनका सबके जे पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक चलै छनि ताहि पर असर पड़तनि। सरकारी जे डॉक्टर सब छथिन हुनका सबके जिम्मेदारी सरकारी अस्पताल छै। एकटा बात बुझि लिअ अपने, आ नहि बुझल हुए तऽ बुझू। अखन सरकारमे जे आदमी उठा छाप लगा कऽ उठा छाप लगा देलक आ चलि गेल आ फेर 5 बजेमे आबि कऽ उठा लगा देलक, ई काज केलकै कि नहि केलकै ताहिसँ ओकरा सरकारके कोनो मतलब नहि छै। तऽ जे उठे छाप लगौने काज हेतै तऽ कहाँ काज भऽ रहल छै? आ ओतऽ उठा छाप लगा दिअ, जाउ एहि बीचमे अपन चलि गेल। एहिमे तऽ अहाँ ई निगरानी करियौ ने जे 8 घंटा 10 घंटा डॉक्टर रोगीके देखै, ताहिके व्यवस्था करियौ। उठा छाप लगौने थोड़े डॉक्टर देख लेतै? हमरासँ तऽ भर्ती जेना जेना डॉक्टर ओतेक MBBS तेना ने सबके थोड़े बहाल कऽ लेबै, ओकर तऽ डिग्रीपर बहाली होइ छै। हाँ, तऽ ओ डिग्रीपर जतेक हमसब 10 हजारके केने छलियै 9 हजारके, ताहिके लेल सर पूरा पैनल बनल छै, एहिमे बहाली हेतै। ताबे हम तऽ सरकारमे नहि छी, लेकिन ई जे उठा छाप सिस्टम छै अहाँके बुझल हैत जे 10 बजे आबिकऽ उठा छाप दऽ दै छै आओर चलि गेल गामपर आ फेर 5 बजे आबिकऽ उठा छाप देलक, तऽ किछु नहि भेलै। हमरा अइ जे अहाँ काज लियौ ने डॉक्टरसँ, डॉक्टरके टाइम बन्द करियौ, इतना समय आप काम करिए, तऽ से नहि होइ छै। तऽ ताहिके चलते डॉक्टर यदि स्ट्राइकमे छै तऽ आम लोकके दिक्कत होइ छै। हम सरकारसँ माँग करै छियै जल्दी ओकर स्ट्राइक खत्म कऽ कऽ अहाँ रोगीके इलाज करबियौ। सुनलहुँ अपने सब डॉक्टर रामप्रीत पासवान छलाह, आओर जे डॉक्टर सब जे हड़ताल पर बैसल छथि ओहो एकटा बड़का विषय छै, आओर दोसर नगर निकायके चुनाव दुनू पर अपन बात रखलथि हैं। तऽ हमरा सब संगे एना बनल रहू। सहयोगी राजीव चौधरी, संगम स्नेहा झा, मधुबनी।